ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मैंने बहुत सारे प्रयोग आपको बताए हैं जिनमें कि किसी की शादी रुकवानी हो, किसी की शादी तोड़नी हो, तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। वास्तव में होता यह है कि कई बार शादी जैसे पवित्र बंधन को जबरदस्ती बांधा जाता है। जिंदगी में दो काम जो है हमें अपनी मर्जी से करने चाहिए, एक शादी और एक आपकी जो जॉब है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा, ये दोनों चीजें आपको अपनी मर्जी से करनी चाहिए। लेकिन कुछ रूढ़िवादी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी आपका जो बंधन है वो किसी से कर दिया जाता है या होने वाला होता है। ऐसे में अपने प्रेमी को अपने जीवन में लाने के लिए, उस शादी को तोड़ने के लिए, उस शादी को कैंसिल करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों अनेक प्रयोग किए हैं। और ऐसे प्रयोगों में से जो सटीक हैं, एक ही बार में काम कर जाएं, उनमें से कुछ प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। ये प्रयोग करने से होगा ये कि आपकी शादी जिससे हो रही होगी, जिससे आप चाहते हैं उससे ना होकर जिससे हो रही होगी, वो कैंसिल हो जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी ऐसी रुकावट आ जाएगी कि आपकी शादी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। कुछ ना कुछ उसमें ऐसी अड़चन आ जाएगी कि बस वो शादी टल जाएगी। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जो कि एक एक दो दो दिन पहले मुझे बताते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप अगर एक दो दिन पहले बता रहे हैं, कम से कम एक हफ्ता हो तो इस प्रयोग को किया जा सकता है। यदि एक हफ्ते पहले पता लग जाए तो शादी रोकी जा सकती है। ये बहुत ही प्राचीन प्रयोग है। इस प्रयोग को यदि आप कर देते हैं तो यूं समझिए आपकी शादी जो है वो टली टलाई है। कोई भी आपका बंधन उनसे नहीं करा सकता। लाखों लोगों पर प्रयोग करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 15 साल पहले मैंने ये प्रयोग शुरू किए थे और इनके जो असर थे, जो लोग जिन्होंने इसको प्रयोग में लाया, वो खुद आकर मुझसे कहते हैं कि गुरुजी आपने हमारी जिंदगी बना दी। तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य करें और इसके बाद चाहे कैसी ही अड़चन हो, कैसा ही मतलब परिस्थितियां कैसी बन गई हों कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन वहां पर भी ये प्रयोग काम करेगा। भगवत कृपा ऐसी होगी कि बस उम्र भर आप मेरे गुणगान करोगे। तो आपको करना क्या है कि बाजार में जाएं और मिट्टी का एक कूल्हड़ लेके आए, छोटे छोटे से कूल्हड़ होते हैं, वो लेकर आए और काले रंग की मोमबत्ती लेके आए। पहले क्या होता था कि जो शहद होता था, शहद का जो वैक्स निकलता है, उसको प्रयोग में लाया जाता था। यदि आपके पास वो उपलब्ध हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ना हो तो आप काले रंग की मोमबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सात तरह की दालें, सात तरह का अनाज जो है वो एक छोटी सी हांडी में रख लेना है और उसके अंदर अपने प्रेमी की, जो जिससे आपकी शादी होने वाली है, जिससे आप शादी नहीं करना चाहते, उसकी तस्वीर रख दीजिए। तस्वीर के पीछे जो है काले रंग से स्वास्तिक बनाइएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके बीच में डॉट लगाइए। स्वास्तिक आपको उल्टा बनाना है, वो सारा मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो आपको स्वास्तिक उल्टा बनाना है और उस सात अनाजों के बीच में इसको रखकर ऊपर से ढक्कन लगाकर काली मोमबत्ती के मोम से, या फिर जो असली शहद होता है उसका जो मोम होता है, उससे इसको बंद कर दीजिए और किसी एकांत स्थान में गाड़ दीजिए। यकीन मानिए एक दो दिन में ही आपको कोई ऐसा समाचार मिलेगा कि कुछ मिसहैप हो गया है और
वो जो शादी थी वो टल गई है। न जाने किस किस तरह के मेरे पास केस आते हैं, तो उन सब में मैंने देखा कि ये जो एक प्रयोग है ये सटीक है, ये काम करेगा ही करेगा। कुछ भी करके आप इसका प्रयोग कीजिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रयोग बड़ा ही सिंपल है, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको इकट्ठी करनी है। जैसे छोटा सा कुल्हड़ होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर ना मिले तो आप हांडी ले सकते हैं, मटका ले सकते हैं, जितना बड़ा हो उतना, मतलब वैसे तो छोटा लेते हैं लेकिन अगर ना मिले तो आप मटके तक का साइज़ ले सकते हैं। उसके अंदर 7 तरह का अनाज डालिए और पीछे जो है एक अपने प्रे जो जिसे शादी होने वाली है फियांसे की, आपकी तस्वीर लीजिए और उसके पीछे काले रंग से स्वास्तिक बनाइए उल्टा, बीच में बिंदियां लगाइए और फिर जो है उसको उन 7 अनाजों के बीच में रखकर कहीं पर गाड़ दीजिए। गाड़ने से पहले उसका ढक्कन लगाकर उसको अच्छी तरह से काले मोम से बंद कर दीजिए और इसके बाद इस प्रयोग को कीजिएगा। तो यकीन मानिए आपकी शादी टली टलाई है। अब ये जो आगे आप वीडियो देखेंगे इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा कि करना कैसे है। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, अगर आपसे ना हो पा रहा हो तो ये मैं भी आपके लिए करके दे दूंगा। बस आप WhatsApp कीजिएगा कि आपकी डेट कब है और कब शादी होने वाली है, और सारी डिटेल भेजने के बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं यथासंभव जितना शीघ्र हो सके आपकी सहायता करूँगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि किस तरह से आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं।